दोस्तों ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेते ही व्यक्ति का जुड़ाव 9 ग्रहों से हो जाता है। इन 9 ग्रहों की चाल का प्रभाव उस पर आजीवन पड़ता रहता है। 9 ग्रहों में ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले बुध ग्रह को सुख बुद्धि करियर और कारोबार का कारक माना जाता है। मान्यता है कि यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो तो वह उसे शुभ फल प्रदान करता है, जबकि इसके विपरीत कमजोर होने पर तमाम तरह की परेशानियां लेकर आता है। ज्योतिष में बुध ग्रह की शुभता पाने के लिए जितने भी प्रकार के उपाय बताए गए हैं उनमें रतन को काफी प्रभावशाली माना गया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बुध ग्रह की शुभता दिलाने वाले पन्ना रतन को धारण करने के नियम और लाभ के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले पन्ना रतन की शुभता को पाने के लिए इसे न सिर्फ शुभ दिन में धारण करें बल्कि इसे शुभ दिन खरीद कर शुभ धातु में ही बनवाना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार पन्ना रतन बुधवार के दिन बाजार से खरीदकर बुधवार के ही दिन धारण करना चाहिए। पन्ना को खरीदने से पहले किसी ज्योतिषी से यह जरूर पता करें कि आपके लिए कम से कम कितनी रत्ती वाला पन्ना शुभ साबित होगा। पन्ना रतन को सोने या कांसे की धातु में कुछ इस तरह से जड़वाएं कि आपकी त्वचा को स्पर्श करता रहे। पन्ना रतन को कनिष्ठिकी यानी कि सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन सूर्योदय के समय बुध के मंत्र से पूजित एवं अभिमंत्रित करने के बाद ही धारण करें। दोस्तों सनातन परंपरा में वैसे जीवन से सभी जुड़ी समस्याओं के समाधान बताए गए हैं। यदि किसी कारणवश आप करियर और कारोबार में मनचाही कामयाबी दिलाने वाला ये महंगा रतन न खरीद पाए तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसकी जगह हरित तुरमली मरगज या फिर विधारा की जड़ को धारण कर सकते हैं। तो चलिए अब पन्ना रतन को पहनने के भी लाभ जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ज्योतिष के अनुसार परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए पन्ना रतन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में परीक्षा की मनचाही सफलता की कामना रखने वाले किसी भी ज्योतिषी की सलाह पर पन्ना रतन धारण जरूर कर लेना चाहिए। जिन लोगों को इस बात की शिकायत है कि उनका या फिर उनका घर परिवार से किसी एक चीज पर मन नहीं टिकता है या फिर कहें कि एकाग्रता की कमी हो, तो उन्हें इस परेशानी से पार पाने के लिए पन्ना रतन पहनना चाहिए। ज्योतिषी के अनुसार पन्ना रतन को पहनने से बुद्धि और वाणी बेहतर होती है। ऐसे में जिन लोगों को पब्लिक में बोलने का काम है ऐसे लोगों को अच्छा वक्ता बनने और वाणी को आकर्षक बनाने के लिए पन्ना रतन धारण करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।